हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बच्चों के रिक्वेस्ट पर मैं एक डॉल के लिए गाउन बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, उसके लिए हमने ये मटेरियल ले लिया है। ये नेट है हमारा और ये वाइट सॉरी लाल रंग का रिबन है फ्रेंड्स, और ये रबड़ है, और ये हमारे बच्चों के देखिए खिलौने हैं। तो इसी के लिए आज मैं गाउन बनाने जा रही हूँ कपड़े। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हम इस कपड़े को देखिए फ्रेंड्स, इस कपड़े को हम नाप लेते हैं। डॉल के नीचे गाउन जो बनाएंगे उसकी लंबाई के लिए हम, तो देखिए इसका पहले लंबाई, इसका कमर यहाँ से है फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गाउन है। तो इसको थोड़ा हम लंबा बनाएंगे यहाँ तक। तो यहाँ तक हमने ले लिया है, तो इसको डबल फोल्ड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको हमें डबल फोल्ड करना है, करके हम काट लेंगे कम से कम एक, हम इसे एक नाप करके इसको यहाँ से यहाँ तक तो हमें काटना ही काटना है। तो यहाँ तक हम काट लेते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको काट लिया है। अब इसका देखिए, ये जो डॉल है, डॉल का कमर से लेकर के हमने यहाँ तक है। कुछ हम आगे जब सिलाई करेंगे, सिलाई नहीं इसको जो बनाएंगे, तो थोड़ा सा कपड़ा उसमें लग जाएगा तो हमारा शॉर्ट पड़ेगा। इसी के लिए थोड़ा सा हमने ज़्यादा लंबा ले लिया है। तो इसको देखिए, पहले हम इसको पतला पतला थोड़ा थोड़ा सा ही लंबाई पर देखिए इसको हम काट लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे फ्रेंड्स। देखिए इसको, देखिए हमें ऐसे काटना है। देखिए ऐसे ऐसे हमें बहुत सारी पीसे काट लेनी है। तो चलिए हम काट लेते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे पीसेस काट लिया है हमने इसलिए फ्रेंड, ये सारे पीसे हमने काट लिए। देखिए इसको अब हम रबड़ में, देखिए इसको किस तरह से हमें लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पीसेस को हमें, तो देखिए फ्रेंड्स, ये रबड़ हमने ले लिया है। और ये नीचे का जो दोनों हमारा है, दोनों साइड के किनारे, इसको हमें बराबर लेना है। और ले करके इसको यहाँ से ऐसे हमें पकड़ना है। पकड़ने के बाद में इसको ऐसे इसमें हमें डालना है, और डाल करके इसको इसमें हमें ऐसे निकालना है। देखिए ये दोनों को इसमें हमें ऐसे निकालना है। देखिए इसको हमें ऐसे निकालना है, ऐसे ही हम सारे को देखिए, इधर से भी हमारा दोनों किनारी बराबर है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए इसको वन बाई वन हमें कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इसको हमें ऐसे कर लेना है, इसको इसमें हमें ऐसे करके, देखिए फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे निकाल लेना है, ऐसे निकाल लेंगे। लास्ट में अगर हमारा बड़ा छोटा भी होता है तो थोड़ा सा इसको किनारे को हम काट लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ हम सबको बना लेते हैं इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये उसका गाउन नीचे का तैयार है। देखिए इस तरह ये उसका कमर हो गया, रबड़ में एक एक करके हमने सारा बना लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, अब चलिए हम इसको पहनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने डॉल को पहना दिया है। रबड़ था, रबड़ से ये कमर एकदम नाप का बैठ जाता है, जैसे बड़े आदमी का हम लोग दर्जी लोग सिलाई करते हैं वैसे ही। अब देखिए ये उसका गाउन हो गया नीचे का फ्रेंड्स। और देखिए इसका साइज आ रहा है, इसमें काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर बड़ा छोटा हो जाएगा तो आप काट सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब चलिए हम ऊपर का टॉप बताते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास रेड भी रिबन है और येलो भी रिबन है कपड़े हैं। अगर आप चाहो तो रेड भी यूज कर सकते हो और येलो भी यूज कर सकते हो। तो इसको ले करके हमें पीछे दोनों साइड से इसको ऐसे डॉल को बांध देना है। तो चलिए अब हम इसको देखिए, इसको ऐसे शेप देना है, ऐसे इसको पीछे से बांध देना है, गांठ लगाना है। तो चलिए इसको हम गांठ लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने ऐसे पहना दिया है और पीछे से हमने गांठ लगा दिया है ऐसे। ये हमारा लहंगा और ऊपर का चोली बन के तैयार है। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले इसको हम ये लेस को यहाँ पर लगा लेते हैं, इसके बाद हम इसको डेकोरेट भी करते हैं। तो
तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने अटैच कर लिया है, ग्लू की मदद से चिपका लिया है, ये बन गया है। अब चलिए इसको कुछ मोती से हम डेकोरेट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ सितारे लगा दिए हैं डेकोरेट करने के लिए, और ये हमारा बन के तैयार है। तो देखिए हमारी डॉल को, इनका ये लहंगा है डॉल का, और ये ऊपर का ये चोली है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसका ड्रेस कैसा लगा, हमें ज़रूर एक कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी डॉल तैयार है पहन के कपड़ा। देखिए इनका लहंगा है ये नीचे का, और ये ऊपर का चोली है।